नमस्कार देवी और सज्जनों, सतीश का सफर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सतीश और आज हम फिर से पहुंच चुके हैं कल्याणी। कल्याणी जहां पर आपने बहुत सी फोटोज देखी होंगी, जो ट्विन टावर, मलेशिया का ट्विन टावर बना है। यहां पर पंडाल का थीम मलेशिया का ट्विन टावर है, जो कि पूरे कोलकाता नहीं बल्कि पूरे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा छाया हुआ है। तो उसको हम लोग एक्सपीरियंस करने के लिए आ चुके हैं। मैं इंट्रोडक्शन यहाँ पे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रही है और वहाँ पे मेरी आवाज़ एकदम आ ही नहीं पा रही है, जिसकी वजह से अपना इंट्रो यहीं पर दे दिया। और बाकी आगे के इस फेमस से पेंडॉल को देखने के लिए आप मेरे इस वीडियो में बने रहिए और आपको मैं दिखाता हूँ कि कितना सुंदर और कैसा है ये पेंडॉल और वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस आपसे हम शेयर करेंगे। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। आईटीआई का जो ट्विन टावर है वो कल्याणी स्टेशन से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है, तो उसके लिए हमने टुक-टुक ले लिया है और लगभग 3-4 किलोमीटर है, तो पहले जाना सही नहीं था और इस तरह था टुक-टुक जो कि सबसे मस्त सवारी है, उसका आनंद लेते हुए हम लोग पहुँचते हैं अब ट्विन टावर। तो चलिए आपसे मिलते हैं वहीं पर और रास्ते का आनंद लीजिए। कोलकाता में नवरात्रि में नॉनवेज बिकना या मिलना बहुत ही एकदम आम बात है। और सामने देख सकते हैं मेला है और यहाँ पे बिरयानी खूब मजे से बन रही है, तो इस चीज को लेकर सरप्राइज मत रहिएगा। तो हम लोग ऑलमोस्ट पेंडॉल तक पहुँच चुके हैं और ये जो सजावट है बहुत ही अद्भुत लग रहा है। तो दोस्तों ये है सबसे फेमस कोलकाता का ट्विन टावर पेंडॉल और ये मतलब देखने में बहुत ही अद्भुत मलेशिया का ये ट्विन टावर बना हुआ है और मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी अच्छी कारीगरी की गई है इसके लिए और मतलब नेक्स्ट लेवल ये चीज़ है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, मतलब एकदम आपको लगेगा ही नहीं कि एक पेंडॉल बना हुआ है और बेहद ही खूबसूरत, मतलब अद्भुत इसको कहा जा सकता है। मतलब अपनी लाइफ में मैं इतना बढ़िया और बड़ा पेंडॉल कभी नहीं देखा। कोलकाता का मैं इसको टॉप 1 में रखना चाहूँगा। इसको बनाने में ही बहुत करोड़ों रुपए का खर्च आया है। तो ये है कोलकाता का सबसे फेमस पेंडॉल और इसका क्रेज आप देख सकते हैं, इतने भीड़ में मतलब नेक्स्ट लेवल ये पेंडॉल बना हुआ है और इसका क्रेज आप समझ सकते हैं कि इतनी भीड़ आई हुई है यहाँ पर। भीड़ देखिए आप, मतलब कह सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल की भीड़ है और मतलब इतना क्रेज इतना भीड़ बहुत ही कम समय मिल रहा है लोगों को देखने के लिए, तुरंत निकाला जा रहा है और मैं परमिशन लेकर यहाँ पर खड़ा हूँ। यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पर मैं इतना आराम से खड़ा हूँ क्योंकि थोड़ा सा परमिशन लिया हूँ और ये जो पेंडॉल आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये गजब का पेंडॉल है और कोलकाता का मैं कहूँगा श्री भूमि तो वन ऑफ द बेस्ट है ही, मगर ये पेंडॉल भी वन ऑफ द बेस्ट है। मैं आपको बता दूँ कि इस पेंडॉल के का जो क्लब है, इस क्लब को बहुत ढेर सारे मेडल भी मिले हैं और मेरे पास है, सामने आप देख सकते हैं कि ये इतने मेडल इस पेंडॉल को मिले हुए हैं और आप देख सकते हैं ये मेडल मिला है, बहुत ढेर सारे मेडल, मतलब हर साल का अलग मेडल है और अलग अलग संस्था ने इस पेंडॉल को मेडल दिया हुआ है। लोगों को बहुत ही लंबी लाइन लगानी पड़ रही है यहाँ पर आने के लिए और यहाँ पर आना बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट है। आपको 2-3 घंटे 4 घंटे भी लोग लाइन में खड़े रह रहे हैं, तो इतना देर लाइन में रहना और इस पेंडॉल को देखना एक वर्थ इट है। मैं कोलकाता से लगभग 60 किलोमीटर दूर आना पड़ा इस पेंडॉल को देखने के लिए। ये पेंडॉल कल्याणी में है और इसको मैं टॉप 10 में रखना चाहूँगा और इवन फर्स्ट या सेकंड में ही रखना चाहूँगा अगर पेंडॉल की बात कही जाए। ये पेंडॉल बहुत ही ऊँचा है और इतना ऊँचा पेंडॉल बनाने में लगभग 2-3 महीने का समय लगता है। मेरे साथ ये ज़्यादा जुड़ चुके हैं और ये हमको इस पेंडॉल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग करेंगे और इस पेंडॉल के बारे में बताएंगे कि
कितना खर्च लगा, कितना टाइम लगा? तो दादा इस पेंडोल को बनाने में कितना खर्चा आया लगभग? हमारा ये पेंडल बनाने के लिए लगभग 20 लाख रुपया और टोटल बजट हमारा लगभग 60 लाख रुपया है। हमारा ये पेंडल बनाने के लिए 6 महीना समय यहाँ पर लगभग लगा और 100 हमारा कर्मचारी जो सरकार डॉक्यूमेंटर्स विलियम सरकार वो हमारा ये पेंडल बनाया 6 महीना श्रम देखे। हमारा क्लब और क्लब का नाम क्या है दादा? लुमिनस क्लब, आईटीआई मोल लुमिनस क्लब। तो दोस्तों आईटीआई मोल लुमिनस क्लब इस क्लब का नाम है और इसका थीम मलेशिया का ट्विन टावर रहा है। और दादा ने मुझे बहुत ही यूनिक जानकारी दी, मैं अभी तक 2 महीने बोल रहा था, इस पेंडोल को बनाने में लगभग 6 महीने का समय लगा है। तो ये कोई आम बात नहीं और ये कोई आम पेंडोल भी नहीं है। तो इसको देखने के लिए हम इतने दूर से आए, वो बहुत ही वर्थित रहा है। और दादा बहुत सुंदर पेंडोल बना है और अपने लाइफ में इतना बड़ा पेंडोल मैंने कभी नहीं देखा था। और बंगाल आना पहली बार दुर्गा पूजा में मेरे लिए वर्थित रहा। और इसको बनाने का बजट मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा, पेंडोल को बनाने में लगभग 30-40 लाख रुपये लगे और टोटल मैनेजमेंट और सब कुछ लेके 60 लाख रुपये खर्च किए गए। तो आप समझ सकते हैं कि बंगाल में जितना दुर्गा पूजा का क्रेज है, और ये जस्ट एक पेंडोल नहीं है, ये लोगों का इमोशन है, हजारों लोगों का इमोशन। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लोग घंटों लाइन में खड़े हैं, लगभग 3-3 घंटा 4-4 घंटा लाइन में खड़े रह रहे हैं, तब जाकर इस पेंडोल में माँ दुर्गा के लोगों के दर्शन हो रहे हैं। तो जो यहाँ पर एक वाइब है दुर्गा पूजा की, वो नेक्स्ट लेवल वाली है। और कह सकते हैं कि मतलब एक इमोशन है, मतलब सभी त्योहारों में एक अलग त्यौहार दुर्गा पूजा। और यहाँ पर लोग दुर्गा पूजो कहते हैं, पेंडोल नहीं पेंडोल कहते हैं, पंडाल नहीं, हमारे यहाँ पंडाल कहा जाता है। यहाँ आने के बाद मैं अभी पेंडोल कह रहा हूँ, तो यहाँ पर पेंडोल कहा जाता है। और नेक्स्ट लेवल है यहाँ का इमोशन फीलिंग, जो यहाँ पे जो इमोशन और वाइब है उसको महसूस करने के लिए आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। और 1000 किलोमीटर दूर आना यहाँ पर मेरे लिए मतलब वर्थ इट रहा है अभी तक। और आइए अब आगे भी एक्सपीरियंस करते हैं क्या क्या मजा है इस पेंडोल में। और बहुत ही विनम्रता से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पेंडोल का दर्शन कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और क्या बूढ़ा क्या बच्चा, सब कोई आया है पेंडोल देखने इसी भीड़ में। और नेक्स्ट लेवल वाली यहाँ भीड़ है, कोई बूढ़ा नहीं कोई बच्चा नहीं, सब यहाँ देखना है, सब उसी मस्ती में है। तो पहली बार मतलब मैं सुना था अभी तक बचपन से, मैं पहली बार एक्सपीरियंस करना, एक अलग ही अनुभव मुझे मिलता है, नेक्स्ट लेवल अनुभव है। और वीडियो में तो आपको देखने में अच्छा लग ही रहा होगा, मगर मैं कहूँगा लाइफ में तो कम से कम एक बार आप किसी भी स्टेट से हो, एक बार आपको यहाँ का दुर्गा पूजा देखना ही चाहिए। আপনারা অযোধ্যা দাঁড়িয়ে পবিত্রনাথ জন্য অযোধ্যা দাঁড়িয়ে যাবেন না, পবিত্রনাথ জন্য অযোধ্যা দাঁড়িয়ে যাবেন না, গোটি দিন অযোধ্যা থাকবো, প্রতিমা দর্শন করবো এবং আপনাকে প্রতিমা দর্শন করবে সহযোগে থাকবো। So this is the one of the best pendol of Kolkata, और ये कलकत्ता का सबसे बेस्ट पेंडोल है और जिसको हम अभी देख रहे हैं, और नेक्स्ट लेवल का पेंडोल है। और यहाँ पर आना बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन ये पेंडोल है, नेक्स्ट लेवल पेंडोल। Hello
नज़ारा अंदर का है और मलेशिया के ट्विन टावर का आप देख सकते हैं, और सामने एक खूबसूरत सी एंट्री है। नेक्स्ट लेवल पेंडोल, नेक्स्ट लेवल, दिस इज जस्ट ऑसम, मतलब गजब का ये पंडाल है। और क्या ही कहा जाए इस पेंडोल के बारे में, बस यही आ रहा है मेरे मुंह में, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। और ये कुछ अंदर से लाइटिंग की गई है, बेहद ही खूबसूरत। तो दिस वॉज द व्यू फ्रॉम इनसाइड, और ट्विन टावर का ये व्यू था। और मतलब आपकी क्या, आपका क्या व्यू है इस पेंडोल पर, इसको जरूर से लिखिएगा। और मेरे लिए कोलकाता में ये वन ऑफ द बेस्ट पेंडोल कहूँगा, श्री भूमि का नाम लूँगा और लुमिनस क्लब है ये, इसका भी नाम लूँगा। अगर आपको यहाँ पर इनफैक्ट आना है तो यहाँ पर आप कोलकाता से 60 किलोमीटर कोई भी लोकल ट्रेन लेके आ सकते हैं। बेस्ट पेंडोल का ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही क्रेजी था, लोग काफ़ी बंगाल के अच्छे हैं। इतना ज़्यादा मेला घूमने के बाद चारों नॉनवेज आइटम मिल रहा है, और पहली बार मुझे मेरे पसंद की चीज़ दिखी है, और वो है जलेबी। तो भाई साहब ये है गर्मा गर्म जलेबी, जिसको आप, मेरा वन ऑफ द फेवरेट फूड। और ये कुछ हमें यूनिक दिख रहा है, इसको भी टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉनवेज का चलन काफ़ी है, जिसकी वजह से मैं कुछ भी मेले में नहीं खा रहा हूँ। और देखते हैं क्या है, तीनों अलग अलग प्रकार की जलेबी दिख रही है, ये कुछ अलग प्रकार का लग रहा है, ये भी कुछ अलग है, और वो भी अलग है। तो देखते हैं क्या मतलब टेस्ट रहता है इन सबों का। पहले हम इसको एक ट्राई करना चाहेंगे, देखते हैं कि कैसा लगता है। इसको ऊपर निकाल के रख देना, ऊपर इसके ऊपर निकाल के रख देना, मेरा एक हाथ। हाँ मैं आपको तो ये कुछ अलग प्रकार का है, इसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहली बार मैं इसको ट्राई करना चाहूँगा, और देखना चाहता हूँ है क्या ये आखिर में। ये जलेबी के उससे ही बनता है ना, तो देखा जाए भैया कैसा लग रहा है। थोड़ा कुरकुरा टाइप का लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और पूरे मेले में पहली बार कुछ खा रहा हूँ, क्योंकि हर जगह नॉनवेज है और मैं नॉनवेज एकदम नहीं खाता हूँ, नवरात्रि में दूर ही रहता हूँ। आलू अच्छे, बहुत तगड़ा लग रहा है ये। तो चलिए खैर, इसी के साथ इस ब्लॉग की समाप्ति करते हैं, और काफ़ी तगड़ा रहा मेरा यहाँ का अनुभव। और मेरे जो ये ट्विन टावर के पीछे का कुछ सीन है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को थोक दीजिएगा। और कोलकाता के ऐसे ही बहुत ढेर सारा भी अलग अलग पंडाल का आपको मैं वीडियो दूंगा, तो बने रहिए और शेयर कर दीजिएगा अपने रिश्तेदारों के साथ, और रिश्तेदारों से बच कर रहिए और घूमते रहिए। जय हिंद, जय भारत।